जालौन के माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के रामपुरा में सफाई कर्मचारी ने नगर पंचायत पर पहुंचकर सभासद के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं सफाई कर्मचारी ने बताया कि वार्ड संख्या 7 में सभासद अल्ताफ के द्वारा सफाई कर्मी रामलखन से गाली गलौज की गई, जिसको लेकर सफाई कर्मी ने पुलिस से शिकायत की और नगर पंचायत पर पहुंचकर विरोध किया। हरदोई में प्री प्राइमरी विद्यालय में मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार, अध्यापकों और छात्राओं ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया। मनमोहक कार्यक्रम में अध्यापकों और पेरेंट्स का मन मोह लिया। कार्यक्रम में संचालक शैलेंद्र, प्रधानाचार्य शिखा, अधीक्षक मनीषा सोनी, तमाम यहां पर लोग मौजूद नजर आए। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ किए जा रहे शारीरिक, धार्मिक शोषण अत्याचारों के खिलाफ गोंडा जिले में हिंदू रक्षा समिति अवध प्रांत के बैनर तले कई हिंदू संगठनों के हजारों लोगों द्वारा जमकर धरना प्रदर्शन कर अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। 5 अगस्त को बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो हिंदुओं को लक्ष्य करके वहाँ पर हिंसा की गई, हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदू बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदुओं की हत्याएं की गई, इसके विरोध में हम सभी लोगों ने आज हिंदू रक्षा समिति के बैनर तले एक हिंदू जनाक्रोश रैली का आयोजन किया है, जो कि गांधी पार्क से होते हुए डिग्री कॉलेज चौराहे पर आया है और यहां पर नगर मजिस्ट्रेट महोदय को हम सभी लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है कि वहां पर हिंदुओं का उत्पीड़न बंद किया जाए। हरदोई में खेत देखने गया युवक गहा नदी में डूबा। सापखेड़ा निवासी युवक अजय खेत देखने गया था, नदी पार करके दूसरी तरफ खेत देखकर आते समय हादसा हो गया। मृतक दो भाइयों में छोटा था और 1 साल पहले ही शादी हुई थी। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र के सापखेड़ा गांव का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हाट के मैदान में खड़ी एक बाइक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते बाइक में आग की लपटें निकलने लगी। वहीं आग को देखकर हाट बाजार में हड़कंप मच गया और दुकानदारों ने पानी में गीली करके सूती बोरी की बाइक पर डाली, तो जब जाकर आग पर काबू पाया गया। चलती ट्रेन में यात्रियों के टिकट चेक कर उसके जुर्माने के नाम पर रुपए वसूल रही महिला को फर्जी चिट्ठी बताकर यात्री रेल सुरक्षा बल को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे रेल सुरक्षा बल ने महिला को डाबर स्टेशन उतार लिया। रेल सुरक्षा बल से पूछताछ करने में जुट रही। कानपुर के एलान हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन में एक इंटरनेशनल आर्ट मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल की प्रधानाचार्य रुचि सेठ थी, जिन्होंने इस आयोजन की सराहना की और छात्रों का उत्साह वर्धन किया। इस हमारे एलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन के कैंपस में इंटरनेशनल आर्ट मैराथन का आयोजन हुआ है। ये बेटन हमने क्रिएटिव माइंड्स फुनून आर्ट ग्रुप्स दुबई से लिया है और हमारा स्कूल इंडियन एम्बेसडर है इस आर्ट मैराथन में। इसका एक बहुत ही खूबसूरत टॉप थीम है हील द वर्ल्ड। जैसे अभी हमने पिछले महीने यूथ कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसके में हमारा फोकस सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स था, हम अपने प्लैनेट अर्थ को कैसे प्रिजर्व करें। हम फरुखाबाद में अंग्रेजी शराब से भरा ऑटो पलट गया। सातनपुर मंडी रोड पर अंतरी ट्रैक्टर ने ऑटो में टक्कर मारी। ऑटो में विदेशी शराब भरी हुई थी। ट्रैक्टर की टक्कर से ऑटो पलट गया, जिससे विदेशी मदिरा के क्वार्टर फूट कर टक्कर मारकर ट्रैक्टर फरार है। टेम्पो पलटने से ऑटो चालक घायल हो गया है, भारी नुकसान बताया जा रहा है। फरुखाबाद सातन मंडी के पास का एक पूरा मामला है। पुलिस ने हाई प्रोफाइल केस का खुलासा किया। 4 महीने पहले लापता नीरज प्रजापति की हुई थी हत्या। दो दोस्तों ने मिलकर की थी नीरज प्रजापति की हत्या। 22 अगस्त को नीरज की पत्नी ने दर्ज कराई गुमशुदगी। थाने में गुमशुदगी दर्ज होती है एक्टिव हुई पुलिस। हत्यारी गुलफाम की प्रेमिका की मदद से उठा पर्दाफाश। नशे की हालत में गुलफाम ने की हत्या। प्रेमिका ने बताई थी गुलफाम उसके दोस्त शुभम पांडे ने की थी हत्या। हरदोई पुलिस ने फाली हत्याकांड में किया सनसनीखेज खुलासा। युवती की जीजा और पिता ने मिलकर किया था गौरव का कत्ल। हत्यारोपी सर्वेश की बेटी से चल रहा था गौरव का प्रेम प्रसंग। सर्वेश की बेटी ने गौरव को मिलकर बुलाया था अपने घर। तमंचा लेकर सर्वेश के घर पहुंचा था गौरव। युवती के पिता और जीजा ने गौरव से तमंचा छीन कर गौरव की गोली मारकर हत्या कर दी। दिनांक 19 की रात्रि में ग्राम हसनापुर थाना पाली में सर्वेश खां के घर पर एक युवक गौरव सिंह की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी, जिस संबंध में थाना पाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पाली पुलिस द्वारा आज उसमें नामित 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। घटना का संक्षिप्त विवरण ये है कि गौरव द्वारा सर्वेश की पुत्री को पूर्व में भगा ले गए थे, जिसके संबंध में मुकदमा लिखा गया था और उसमें गौरव जेल गए थे। घरेलू कलह में सड़क पर पति पत्नी के बीच मारपीट। घरेलू कलह में सड़क पर पति पत्नी मौके पर पहुंचे, पुलिस मुखदर्शक बनी रही। दोनों की नोराबुश्ती का वीडियो वायरल हुआ है। शहर के आदर्श नगर स्थित शिवांजलि रेस्टोरेंट के पास की घटना उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र का एक पूरा मामला है।
घर में बने बाथरूम में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका के पति ने पुलिस को घटना दी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना की सूचना पर एसपी सिटी संजीव वाजपेयी मौके पर पहुंचे। महिला की मौत का खुलासा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। हर पहलुओं पर जाँच हो रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो किराए पर रहती है, उनका शव अंदर बाथरूम में है। ये सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, पूरी छानबीन की गई है। अभी तक जो देखा गया उसमें कहीं कोई चोट अभी घटना नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार पोस्टमार्टम कराया जा रहा है जिससे मृत्यु का सही कारण पता चल सके। इसके अलावा कुछ बिंदुओं पे सामने बात आई है, उन पर भी सही बिंदुओं पर जांच करते हैं और सावधानी कार्रवाई की है। हरदोई में रेलवे स्टेशन पर अधिकृत खान पान सामग्री बेचने वाले 8 वेंडर गिरफ्तार। खबर चलाए जाने के बाद आरपीएफ ने 8 वेंडरों को गिरफ्तार किया है। प्लेटफॉर्म ट्रेन में खुलेआम अनधिकृत पानी और अमानक खाद्य पदार्थ बेचते थे अवैध वेंडर। खबर चलाने के बाद रेल प्रशासन ने लिया संज्ञान। बाराबंकी के थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत कई धाराओं में पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त विजय उर्फ गोलीपुत्र ओम नारायण निवासी ग्राम सुखार थाना अकबरपुर जनपद गानपुर देहात हालपट्टा कटहली बाराबंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खूना लूदो शर्ट की बरामदगी के लिए ओवरब्रिज के नीचे पुरानी शुगर मिल में ले गया। इसी दौरान अभियुक्त द्वारा छाड़ी में छुपाए गए तमंचे में पुलिस पर फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा की गई, फायरिंग में वो घायल हो गए जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल पहुंचा प्रेमी, पुलिस भर्ती परीक्षा देने गया था पति, पति ने बुला लिया आशिक। कोटीबार थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला है प्रेमी। प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा उसके ससुराल, आठ पाकर प्रेमी और उसके एक साथी पकड़े ससुराल के लोगों ने और जमकर धुनाई कर दी। रैलिक सुबारा को सूचना दी। जिले के श्याम देवरा थाना क्षेत्र के गाँव का ही पूरा मामला बताया जा रहा है।